बिहार में 3 दशक से जो राजनीति चल रही है उसमें जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर और लोहिया के चेले बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी इन्हीं लोगों के साथ है राजनीति की शुरुआत किए थे, लेकिन अब इसको लेकर खासा विवाद है, खासा चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों जिक्र किया था कि असली समाजवादी नेता कौन है। हालांकि नीतीश कुमार को उन्होंने समाजवादी नेता बताया, लेकिन बिहार में अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई की रेड पड़ी और उसके बाद ये चर्चा होने लगा। और चर्चा इसलिए भी होने लगा कि सीबीआई के रेड के बाद लगातार जदयू की चुप्पी सब कुछ बयां कर रही है। जदयू की तरफ से इस बात पर जोर नहीं दिया जा रहा है और साथ ही भाजपा लगातार आक्रामक है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ साफ कहा है कि जदयू हो या भाजपा हो या राजद हो, तमाम दल हो, इन सभी दलों ने बिहार में राजनीति की है, लेकिन बिहार को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो जेपी और लोहिया के चेले ने बर्बाद किया है। और समाजवाद की बात वो करते हैं लेकिन उनके रास्ते पर वो नहीं चलते हैं। संजय जायसवाल का सीधा निशान लालू प्रसाद यादव पर था। उन्होंने कहा है कि परिवार और परिवारवाद ही इनका नारा है, जिनके चेले हैं उनकी राजनीति पर ये लोग राजनीति नहीं करते हैं, उनके सिखाए हुए रास्तों पर नहीं चलते हैं। कहीं ना कहीं संजय जायसवाल का सीधा इशारा लालू प्रसाद यादव पर था और बिहार के उन तमाम दलों पर था जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लगातार भाजपा कहती है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां बैठक पर बैठक कर रहे हैं, वहीं बिहार की राजनीति में ये चर्चा का विषय बना है कि क्या बिहार में लोहिया और कर्पूरी ठाकुर ने जिस राजनीति की शुरुआत की, अब उसके बाद उस राजनीति को नीतीश कुमार आगे ले जा रहे हैं या लालू प्रसाद ले जा रहे हैं। लगातार सीबीआई की जो रेड हुई है लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर, तो कहीं ना कहीं संजय जायसवाल ने सब कुछ साफ किया है। देखना ही होगा कि संजय जायसवाल ने जब ये बयान दिया है तो क्या नीतीश कुमार को वो बातें याद कराई जा रही हैं ताकि नीतीश कुमार फिर उस विचारधारा और उस रास्ते पर ना जाए। ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में भाजपा, जदयू और राजद तमाम दल राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं पार्टियों के तरफ से प्रत्याशी का ऐलान भी होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री की आज भी बड़ी बैठक हो रही है, इंतजार करना होगा बैठक के बाद नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167 00। धन्यवाद।